नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रहीका से आ रही है, जहां पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रहीका थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के छिवज चौक से एक चोर को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान धनुषी गांव निवासी राम बहादुर सिंह बताया गया है। रहीका थाना अध्यक्ष राज किशोर कुमार ने बताया कि रहीका थाना क्षेत्र रहीका हाई स्कूल में पंचायत चुनाव प्रशिक्षण में भाग लेने आए व्यक्ति जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के पास रोड के किनारे अपनी गाड़ी को लगा करके नमाज पढ़ने गया था। उसी वक्त यह गाड़ी चोरी हुई थी। गाड़ी के चोरी के संबंध में बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मड़ैया गांव निवासी अब्दुल सलाम के द्वारा रहीका थाना में आवेदन देकर पूर्व में ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उक्त अभियुक्त को चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु मधुबनी भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ रहीका पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रहीका थाना पुलिस ने न्यायालय द्वारा निर्गत अधिपत्र के आधार पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त मलंगिया गांव निवासी दिनेश शर्मा थाना रहीका जिला मधुबनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु मधुबनी भेज दिया गया है। रहीका से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। खबरों में अपने के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। फेसबुक पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।